नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, जब ग्रहों की उतार चढ़ाव होता है या जो ग्रह हैं हमें बुरे परिणाम देने लगते हैं, तो ज्योतिष आचार्य हमें कुछ विशेष कर यंत्र या फिर माला पहनने की सलाह देते हैं, और माला पहनने के बाद हमें अच्छे परिणाम मिलने भी लगते हैं। बहुत से लोग कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्य में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए, आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए माला एवं रत्न पहनते हैं और लाभ भी उन्हें मिलते हैं। इन रत्नों में एवं जो इन माला हैं, इनमें पहनने से विशेष प्रकार की हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो कि सूक्ष्म होते हैं लेकिन बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। जैसे कि तुलसी की जड़ पहनने से ऊर्जा मिलती है, रुद्राक्ष को पहनने से ऊर्जा मिलती है, और विशेषकर जिस भी देवी देवताओं को संबंधित अब जो यंत्र धारण करते हैं या फिर जो भी अंगूठी वगैरह धारण करते हैं, तो इसमें खास करके हमें भी प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गौ माता के भौव का बाल पहनने के अद्भुत फायदे बताऊंगा। यह वीडियो ध्यान से देखना, यह जानकारी आपकी किस्मत संवारेंगे। अब के ऐसे काम आएंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपकी कल्पना से आपके सोच से भी ये बाहर हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को माता कहा जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। दोस्तों, गौ माता की हर अंग में अलग अलग विशेष प्रकार के देवी देवता बसते हैं, और ऐसा माना जाता है जिसने गौ की सेवा कर ली उसने समस्त तीर्थों की सेवा का पुण्य पा लिया। ये जानकारी आज मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। साथ ही साथ इतना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गाय की भौव के जो बाल आप धारण करेंगे तो आपको क्या क्या चमत्कारिक फायदा मिलेंगे। हमारे चैनल का मकसद है हम प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं जिससे आपका भलो हो, आपका कल्याण हो। हमारे चैनल का मकसद जनहित एवं जन कल्याण करना है। प्राचीन ज्ञान चैनल में बताया गया जानकारी से अगर आपको लाभ मिलता है तो हमें खुशी मिलती है, और हम आपको भाग्यशाली समझते हैं जो भगवान ने हमें इस नेक काम के लिए इतना काबिल बनाया। इस चैनल के कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें ताकि हमारे मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए इस प्रकार अच्छे अच्छे ज्ञान भरी वीडियो लेकर के आए। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम अच्छे रत्न धारण नहीं कर पाते, या फिर गुरुजी हम कुछ ऐसे आप जो उपाय बताते जिसमें उन चीज़ों को खरीद नहीं पाते, हमें पैसों का अभाव है। तो आप जो हैं, ये जो मैं आज आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ कि गौ का जो भौव का बाल होता है, आप ये धारण करेंगे तो आपके जीवन सूर्य के जैसा चमकेंगे, चांद के जैसा शीतल रहेंगे, क्योंकि गौ माता के दोनों नेत्र में एक में सूर्य तथा एक में चंद्रमा निवास करते हैं। ये आपको शीतल एवं ऊर्जावान प्रदान करेंगे। इसके पहनने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है ये जानते हैं। कॉमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं, सच्चे हिंदू हो तो जय श्री राम लिख करके अपने हिंदुत्व को जरूर प्रदर्शित करें, जय श्री राम जरूर लिखना। तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गौ माता की भौव का बाल पहना जाता है। इसे चांदी की ताबीज में 5 के संख्या में डाल करके पहना जाता है। तो जो दुष्प्रभाव, जो दुष्ट ग्रह हैं, जैसे कि छाया ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, ये अपना बुरा परिणाम, जो बुरा परिणाम देता है वो दूर कर देते हैं और ये अच्छे परिणाम देने लगते हैं। ये ग्रहों के कुप्रभाव से हमें बचाता है। बुरा समय चल रहा हो तो उसे दूर करने के लिए गाय की जो भौव की बाल होता है पहना जाता है, तो बुरा समय जो होता है समाप्त हो जाता है। इसके पहनने से बहुत ज़्यादा धन लाभ होता है, चारों ओर से धन की प्राप्ति होता है। साथ ही साथ इसके पहनने से हमारे आर्थिक उन्नति भी होता है, पदोन्नति होता है, सभी कार्य में हमें सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, इससे मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो लोग मेरे वीडियो को आज वाच कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अब गौ माता की भौव का जो बाल है चांदी की ताबीज में भर करके जरूर पहने, आपको अनगिनत लाभ मिलेंगे, आपके कार्य में तरक्की मिलेंगे, आपको सफल व्यक्ति ये बना करके रख देंगे। और ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले गौ माता की जो 5 भौव की बाल ले लेना, इसके बाद आप जो है इसे चांदी की ताबीज में भर करके धारण करें, बहुत ही लाभ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना न भूलना। जय श्री राम।